भारी बारिश के कारण यमुना का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हथनी कुंड बैराज से भी आज 3 लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने के बाद करनाल के इंद्री हलके में कई गांव जो है पानी के कारण जलमग्न होते हुए नजर आए। वहीं कई जो है खेतों में भी पानी भरा हुआ नजर आया, जिससे किसानों की फसल भी जलमग्न होते हुए नजर आई। पानी इतना था कि पानी की रफ्तार देखते ही लोग भी पानी को थम गए। वहीं कई गांवों में जो है लोगों की आवाजाही भी बंद हो गई। फिलहाल प्रशासन को जिस तरह ही सूचना मिली वैसे ही तमाम जो है प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय विधायक जो है बीजेपी के राम कुमार कश्यप वो भी मौजूद रहे और स्थिति का जायजा लिया। करनाल DC अनीश यादव भी कहते हुए नजर आए कि किसी भी ग्रामीण को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल जो है स्थिति नियंत्रण में है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से जो है किसानों की फसलें जलमग्न हुई है और कई जो है गांवों की जो लोगों की आवाजाही भी रुक गई है, कब तक ये पानी कम होगा और कब तक जो है स्थिति नियंत्रण में आएगी और लोगों की आवाजाही भी सुचारू रूप से शुरू होगी। क्योंकि अब जो जानकारी मिल रही है अब भी जो है लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण लोग काफ़ी परेशान नजर होते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में बीती देर शाम करीब 8:30 बजे 3 हथियारमंद बदमाशों ने एक लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल 3 हथियारमंद बदमाश बाइक पर सवार होकर दुकान पर आते हैं और लूट की वारदात को आसानी से अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते। हालांकि पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो जाती है। जैसे ही बदमाश जो है वो लूट की वारदात को अंजाम दे रहे होते हैं उसी समय दुकानदार उसका विरोध करता है तो दुकानदार के ऊपर फायरिंग तक जो है वो बदमाशों की तरफ से की जाती है। इतना ही नहीं दुकानदार के सिर पर पिस्टल से वार भी किया जाता है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच की कई टीम के साथ साथ लोकल पुलिस भी काम कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे ACP मुनीश सहगल ने भी जानकारी देते हुए बताया कि जो वारदात में मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई है दरअसल वो मोटरसाइकिल भी चोरी की है, जिसकी शिकायत जो है वो पुलिस थाने में मिली है। ऐसे में कहीं ना कहीं जल्द ही पुलिस ने जो है वो पूरे इलाके में जो है वो नाकाबंदी की हुई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राज की। सगाई तोड़ने की कीमत 19 वर्षीय नेहा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी, ऐसा उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा ही एक मामला सेक्टर 22 इलाके में सामने आया है, जहां के मोलाहेड़ा गांव की रहने वाली 19 वर्षीय नेहा मेड के तौर पर काम करती थी और काम कर घर अपनी माँ के साथ वापस लौट रही थी कि कभी सफ़ेद कुर्ते पजामे में पहने हुए 23 वर्षीय राजकुमार नाम का शख्स उनके पास पहुंचा। पहले उनसे बातचीत करता रहा, वाद विवाद करता रहा और जब बात नहीं बनी तो चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर पूरी वारदात का खुलासा जरूर किया है, लेकिन इस बेरहमी से की गई हत्या ने, दिन दहाड़े की गई हत्या ने सेवा सुरक्षा और सहयोग जैसे नारे की पोल खोल कर रख दी है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज। भारी बारिश की वजह से दिल्ली NCR में भी लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई लाख क्यूसिक पानी हथनी कुंड बैराज से छोड़ दिया गया है। इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम कैबिनेट मंत्री और अधिकारियों समेत मेयरों समेत तमाम लोगों से बैठकर एक बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार तमाम चीज़ों को लेकर के सतर्क है और हालात पर नज़र बनाई हुई है और डरने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहना है। और इसके साथ ही यमुना के आसपास जो लोग रहते हैं जलस्तर के आधार पर उनको इवैक्यूएट करवा दिया जाएगा। तमाम प्रबंध टेंट से लेकर तमाम चीज़ों के इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री आतिशी ने भी आज बोट क्लब में जाकर के एक बोट पर बैठ करके यमुना नदी में जाकर पूरा जायजा लिया। बाढ़ के अगर आती है इसी स्थिति होती है तो वहाँ पर किस तरीके से उसको हैंडल किया जाए, क्या क्या प्रबंध हैं,
तमाम चीज़ों का जायजा लिया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो दिल्ली में आज भी रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग का कहना है कल से थोड़ी राहत दिल्ली में ज़रूर मिलेगी। रेलवे को काफ़ी ज़्यादा इस वक्त नुकसान हुआ है क्योंकि अम्बाला से आगे कोई भी ट्रेन फिलहाल नहीं जा रही है, पानी भरा हुआ है रोपड़ में अन्य जगह पर। अब देखना होगा कि कब तक ये स्थिति सुधरती है और आगे क्या कुछ रहता है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद मंडी जिले में लगातार तीसरे दिन भी बारिश अपना कहर बरपाती चली जा रही है। ये नदी नाले उफानों पर हैं। ये बात करें यास रिवर की, वो भी लगातार खतरे के निशान से ऊपर चलती जा रही है, जिसके चलते मंडी जिला के अधिकतर पुल इसमें बह गए हैं, जिसमें 100 साल पुराना लाल पुल और ओट को जोड़ने वाला 50 वर्ष पुल भी इसकी चपेट में आ गया है। वहीं बात करें तो देर रात 2 बजे NDRP टीम द्वारा 6 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया, जिसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। वहीं बात करें तो अगले 2 दिन के लिए भी मौसम की चेतावनी दी गई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। वहीं अगर बात करें तो इस दौरान मंडी जिला के 208 रोड प्रभावित हुए हैं, अधिकतर पेयजल परियोजना प्रभावित हुई है और बिजली भी ठप पड़ी हुई है। राशि द्वारा लगातार लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वे अपने घर को सुरक्षित रहें और अगले 24 घंटे बारिश की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन द्वारा 11 जुलाई को जिले के गैर सरकारी और सरकारी संस्थानों को बंद किया गया है। अपने कैमरामैन अंकुश के साथ मैं सचिन शर्मा मंडी से MH1 के लिए।